आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। किन्नर समाज द्वारा नवरात्रि के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी सपना गुरु की अगुवाई में MR10 चंद्रगुप्त प्रतिमा चौराहे के पास जनकपुरी कॉलोनी में शनिवार 8 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ जगदम्बा की आरती के पश्चात हुआ। इस दौरान यहाँ पर महाप्रसादी के साथ ही भजन संध्या भी हुई। हालांकि बीच में थोड़े समय के लिए भारी बारिश भी हुई, किन्तु उसके बाद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। भक्तों ने भजन संध्या का आनंद लेते हुए महाप्रसादी का लाभ लिया। आयोजन में बड़ी संख्या में किन्नर समाजों के साथ ही आम जनता ने भी के साथ भाग लिया। आज जनकपुरी कॉलोनी भैरु बाबा मंदिर राजा भैया के घर के पास किन्नर समाज द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। आयोजक सपना गुरु ने कहा कि देश दुनिया में अमन चैन शांति बरकरार रहे और माता रानी की कृपा से किसी भी प्रकार की महामारी का प्रकोप नहीं हो, इसी प्रार्थना के साथ आज ये आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 2 साल के कोरोना काल के बाद हुए इस विशाल भंडारे में इंदौर शहर के संपूर्ण किन्नर समाज में अपनी सहभागिता दिखाई। ये माता जी का भंडारा है, 15 वर्षों से हम लोग भंडारा कर रहे हैं। बजुजबान के बच्चे जीते रहे, मालिक उनको हयाती दे, उनके हक दुख बीमारी को दूर करे परमात्मा, यही उद्देश्य से हम लोग बन। जो यहाँ पर किन्नर गुरु सप्ताह गुरु के नेतृत्व में भंडारे का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन ही होता है यहाँ? ये भंडारे का आयोजन हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इंदौर शहरवासियों के लिए, पूरे देश के वासियों के लिए सुख शांति रहे, अमन चैन का रहे, इसलिए हम इसके बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, शादी नहीं होती है, उनके सुख शांति के लिए हम लोग ये दुआएं करते हैं, भंडारा करते हैं। आज यहाँ पर क्या क्या आयोजन भंडारे का आयोजन है? भजन है, माता जी के भजन है और विशाल आरती थी, महाआरती थी, इसमें भंडारा आयोजन, खाना पीना, लोग खाना के भंडारे खाना खिला रहे हैं हम लोग, है ना, सौभाग्य से हर बार उनका खाते हैं या भंडारे के से हम लोग उनको खिलाते हैं भंडारे के। आज भारी बारिश के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो माता जी की दुआ है कि भारी बारिश के बाद भी उत्साह कम नहीं हो रहा है। हम यही करते हैं कि माता ऐसे उत्साह हर साल बना रहे, हर बार बना रहे, हम लोगों के लिए यही कामना करते हैं। आम जनमानस को किस तरह से आप अपना आशीर्वाद देंगे? हम आशीर्वाद जनमानस को ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि सुख शांति बनी रहे, सुख शांति रहो, हमेशा खुशी बनी रहे, शहर के अंदर अमन चमन रहे। 2 साल के कोरोना काल के बाद में एक विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर हर वर्ष ही होता है, क्या कहना चाहेंगे इसको? हमारे यहाँ तो हर वर्ष ये ऐसे ही विशाल भंडारा करते हैं आम जनता के लिए, इंदौर की जनता के लिए, वाडी की जनता के लिए। हम चाहते हैं कि कारोबार में बढ़ोतरी हो, व्यापार में बढ़ोतरी हो, परेशानियों से लोग फ्री रहे, टेंशन से फ्री रहे, घर परिवार में एकता बनी रहे, देश में एकता बनी रहे, सहयोग सबका मिले, सबका साथ रहे, सब एक बन के रहे। हम यही चाहते हैं, यही मंगल कामना करते हैं। जो बेचारियाँ शादियाँ नहीं, उनकी शादियाँ हो जाए, जो भी औलाद उनको औलादें मिले, और जान में जो दिक्कतें आ रही है वो दूर हो जाए, जो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है बीमारी खत्म हो जाए। आज ये जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, किनके नेतृत्व में हो रहा है और किस तरह से इसे एक सफल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाता है? देखो, ऐसा है, यहाँ तो हर साल भंडारा होता है। हमारे गुरु जो हैं, सपना कुंवर जी हमारे गुरु हैं, वो हर साल इतने माता रानी का भंडारा करते हैं और हम हर साल करते हैं। 2 साल कोरोना काल आया था, इससे पब्लिक बहुत परेशान हो गई थी, हम लोग बहुत परेशान थे, पर बहुत दुआएं करते थे, सब दूर बीमारियाँ आई, पर अपने इंदौर की बीमारी चली गई। फिर भी हमने माता जी से ही दुआ करी कि माता रानी कोरोना काल चला जाता, हम बहुत बड़ा माता जी और माता रानी का भंडारा रखेंगे। तो हर साल हमारी गुरु रखती है हमारे गुरु के लिए, और हमारे जितने किन्नर समाज है सबके लिए हम दुआएं करते हैं, और आम जनता के लिए भी कि सब आते हैं हमारे भंडारे की शोभा बढ़ाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये स्थान है, ये कहाँ पर है और उनका आशीर्वाद लेने भी जनता आती है, तो थोड़ा सा जनता के लिए स्थान बताए। हाँ जी, हमारे लालपुरे में हमारे घर में हमारे कुलदेवी का मंदिर है, बोचरा माता का, वहाँ सब आते हैं, आम जनता आती है। MR10 पर कहाँ पर? हाँ, MR10 पर हमारा यहाँ घर है, जनकपुरी है ये, जनकपुरी कॉलोनी में हमारे घर, यहाँ हमारे गुरु जी रहते हैं, लालपुरे में भी रहते हैं, पर लेकिन मंदिर वहाँ भी है, वहाँ भी लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ भी आते हैं। आपका परिचय? 2 साल बाद काजल कुंवर। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है 2 साल बाद? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब इतनी भीड़, पब्लिक कभी देखा नहीं 2 साल से, मतलब सभी बंद था, तो हम लोग भी परेशान थे, आम जनता भी परेशान थी। आप बस माता रानी की कृपा है, ये भंडारा माता जी का करा है, देखो आप खुद ही देख लो भाई, ऐसे हम तो बोले ऐसे ही होते रहे और जैसे कार्य होते रहे।